रावण के पूर्व जन्म की कथा कहकर देश का राजा प्रताप भानु अत्यंत वीर साहसी धर्मप्रायण तेजस्वी और विद्वान था। उसके शासन में प्रजा सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रही थी। प्रताप भानु का अरिमर्दन नामक एक भाई भी था जो उसी के समान श्रेष्ठ गुणों से संपन्न था। दोनों भाइयों को नीतियुक्त मार्ग बताने तथा उसका अनुसरण करवाने का भार धर्मरुचि नामक परम विद्वान मंत्री पर था। अपने नाम के अनुरूप धर्मरुचि की धर्म में अगाध श्रद्धा थी। वह भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था और सदैव उन्हीं के ध्यान में मग्न रहता था। इस प्रकार तीन श्रेष्ठ पुरुषों की देखरेख में कैकेयी देश का शासन कार्य नीति धर्म और सदाचार के अनुसार चल रहा था। कैकेयी देश के पड़ोसी देश में सोमदत्त नामक राजा राज्य करता था। वो बड़ा क्रूर मायावी दुष्ट और पापी व्यक्ति था। भोग विलास में डूबे रहना उसका नित्य का कार्य था। आरंभ से ही उसकी आंखों में कैकेयी देश का वैभव और संपन्नता खटक रही थी। वह किसी भी तरह से उसे जीत लेना चाहता था, किंतु बल और शक्ति में उसकी सेनाएं कैकेयी देश की तुलना में कमजोर थी। युद्ध में कैकेयी देश को जीतना असंभव था, इसलिए उसने माया का सहारा लिया। एक दिन प्रताप भानु को समाचार मिला कि उसके राज्य में एक शक्तिशाली जंगली वरा सुअ ने आतंक मचा रखा है। वो प्रतिदिन किसी न किसी को मारकर जंगल में भाग जाता है। प्रजा को इस प्रकार आतंकित देख प्रताप भानु अत्यंत क्रोधित हो उठा। उसने उस वराह को मारने का निश्चय कर लिया। तदनंतर धनुष धारण करके वह उस स्थान पर जा पहुंचा जहां से वराह वन की ओर भागता था। दो दिन प्रतीक्षा करने के बाद प्रताप भानु को वराह दिखाई दिया। राजा ने अपना घोड़ा उसके पीछे लगा दिया। वराह जान बचाता हुआ घने वन में घुस गया। प्रताप भानु भी उसका पीछा करते हुए वन की ओर चल पड़ा। आज वह किसी भी तरह वराह को मार डालना चाहता था। इसी बीच वह अपने सैनिकों से बिछुड़ गया। वन के बीचों बीच पहुंचकर वराह आंखों से ओझल गया और प्रताप भानु भूख प्यास से व्यथित होकर इधर उधर भटकने लगा। सहसा उसे एक कुटिया दिखाई दी। कुटिया के प्रांगण में एक साधु हवन कर रहा था। उसे देखकर जैसे प्रताप भानु की जान में जान आए। उसने साधु के पास जाकर अपना परिचय दिया। साधु ने प्रताप भानु को खाने के लिए फल दिए, तदनंतर वन में आने का कारण पूछा। प्रताप भानु ने सारी घटना कह सुनाई। तब साधु उपदेश देते हुए बोला, राजन, आपके प्रताप से कौन परिचित नहीं है। आपकी श्रेष्ठता का गुणगान तो देवलोक में भी किया जाता है। प्रजा की संतुष्टि से ही स्पष्ट हो जाता है कि आप एक कुशल शासक हो। आपके नेतृत्व में ही कैकेयी देश महानता के शिखर पर विराजमान है। ये धरा भी आपको पाकर धन्य है। राजन, अब वह भयंकर वरा आपके राज्य की ओर कभी नहीं आएगा। मैं अपने तपबल से उसे स्वयं ही मार डालूंगा। आप निश्चिंत रहे। साधु की बातें सुनकर प्रताप भानु गदगद होते हुए बोला, मुनिवर, आप जैसे साधुजन की कृपा के कारण ही मैं राज्य की उचित और न्यायप्रिय व्यवस्था करने में सक्षम हूँ। राज्य के समस्त वैभव और संपन्नता के पीछे आपका ही आशीर्वाद है। हे मुनिवर, वराह को मारकर आप मेरी प्रजा पर उपकार करेंगे। यद्यपि मैं आपके इस उपकार का ऋण कभी नहीं चुका सकता, तथापि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। साधु हंसते हुए बोला, राजन, हम साधुओं को सेवा से कोई सरोकार नहीं है, लेकिन यदि आप कुछ करना ही चाहते हैं तो अपने राज्य के समस्त बाह्मनों को सपरिवार भोजन करवा दें। इससे उनके आशीर्वाद से आपके राज्य में सुख समृद्धि का वास रहेगा। आपका ये कार्य सभी को सुख देने वाला होगा। जैसी आपकी आज्ञा मुनिवर, अब आप पुरोहित बनकर मेरे साथ चलने का कष्ट करें, जिससे मैं अतिशीघ्र इस पुण्य कार्य को संपन्न कर सकूं। प्रताप भानु ने कृतज्ञ शब्दों में कहा। साधु थोड़ा सा बौखलाता हुआ बोला, नहीं नहीं राजन, सामाजिक बंधनों से विमुख हुए मुझे अनेक वर्ष हो गए हैं। अब मैं किसी भी समारोह में सम्मिलित नहीं होता, अतः मैं आपके पुण्य कार्य में पुरोहित नहीं बन सकता। परंतु आपकी इच्छा को देखते हुए मैं अपने एक योग्य शिष्य को आपका पुरोहित बनाकर अवश्य भेजूंगा। वह आपके समस्त कार्य कुशलतापूर्वक संपन्न करवाएगा। अब आप घर लौट जाए। ठीक 3 दिन के बाद मेरा शिष्य आपके पास पहुंच जाएगा।
इसके बाद साधु को प्रणाम कर प्रताप भानु वापस लौट गया। तभी वह भयंकर वराह साधु के पास आ पहुंचा, जिसका पीछा प्रताप भानु कर रहा था। देखते ही देखते वराह ने एक विशालकाय राक्षस का रूप धारण कर लिया। ये कालकेतु नामक राक्षस था, जिसके उदडी और अत्याचारी पुत्रों को प्रजा की रक्षा हेतु राजा प्रताप भानु ने मार डाला था। कालकेतु भयंकर अट्टहास करते हुए बोला, तुमने आज अपनी बुद्धिमत्ता से श्रेष्ठ अभिनयकर्ता को भी मात कर दिया। जिस प्रकार प्रताप भानु को तुमने दिग्भ्रमित किया है, वह कभी नहीं जान सकेगा कि तुम कोई साधु नहीं, बल्कि साधु के वेश में उसके सबसे बड़े शत्रु सोमदत्त हो। साधु वेशधारी सोमदत्त भी अपने वास्तविक रूप में आ गया और हंसते हुए बोला, कालकेतु, इस योजना के पूर्ण होने में तुम्हारा योगदान सराहनीय है। यदि तुम उसे यहाँ तक न लाते तो हमारा शत्रुम कभी सफल नहीं होता। अब केवल अंतिम कार्य रह गया है। कालकेतु, अब तुम शीघ्रता से बाह्मन बनकर प्रताप भानु के पास जाओ और योजना का अंतिम चरण भी पूर्ण कर दो। इसके बाद कालकेतु और सोमदत्त अपने अपने स्थानों की ओर चले गए। उधर प्रताप भानु को ज्ञात नहीं था कि वह दो मायावी और पापी लोगों के बीच फंस चुका है। वह तो महल में पहुंचते ही बाह्मन भोज की तैयारी में जुट गया। उसने सभी बाह्मनों को सपरिवार भोजन पर आमंत्रित भी कर दिया। निश्चित दिन कालकेतु भी पुरोहित बनकर राजा प्रताप भानु के पास जा पहुंचा। प्रताप भानु ने उसका यथोचित आदर सत्कार किया। भोजन से पूर्व कालकेतु भोजन के निरीक्षण का बहाना करके रसोई घर में जा पहुंचा और उसमें मांस मिला दिया। जैसे ही बाह्मन भोजन करने बैठे, अचानक एक आकाशवाणी हुई, ठहरो, ये भोजन आपके ग्रहण करने योग्य नहीं है, इसमें मांस मिला हुआ है। आकाशवाणी सुनते ही चारों ओर हाहाकार मच गया। बाह्मन क्रोधित होकर अपने अपने स्थानों से उठ खड़े हुए और प्रताप भानु को शाप देते हुए बोले, अधर्मी पापी, तूने मांस परोसकर हमारे धर्म को भ्रष्ट करने का प्रयास किया है। तेरा ये कुकृत्य राक्षसों के समान है, अतएव हम तुझे शाप देते हैं कि तू परिवार सहित राक्षस योनि में जन्म ले। इसके बाद क्रोधित बाह्मन वहां से चले गए। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि प्रताप भानु को कुछ समझने का अवसर ही नहीं मिला। उसे जब होश आया तो उसने सर्वप्रथम पुरोहित बने कालकेतु को ढूंढना आरंभ किया, लेकिन वह वहां से जा चुका था। बाह्मनों का शाप प्रताप भानु को व्याकुल करने लगा। इधर जब सोमदत्त को शाप की बात पता चली तो उसने उसी समय सेना लेकर कैकेयी देश पर आक्रमण कर दिया। बाह्मनों के शाप ने प्रताप भानु को पहले ही निस्तेज कर दिया था। इसी के चलते युद्ध में उसका पक्ष कमजोर पड़ता चला गया। अंत में प्रताप भानु अपने भाई अरिमर्दन और मंत्री धर्मरुचि के साथ वीरगति को प्राप्त हुआ। शाप के कारण अगले जन्म में प्रताप भानु ने विश्रवा ऋषि के घर जन्म लिया और रावण के नाम से विख्यात हुआ। उसकी माता राक्षस कुल की थी। प्रताप भानु के भाई अरिमर्दन ने कुंभकर्ण और धर्मरुचि ने विभीषण के रूप में जन्म लिया। भगवान विष्णु का अनन्य भक्त होने के कारण धर्मरुचि राक्षस योनि में भी परम तपस्वी हुआ। हर हर महादेव।